और ये पत्ता है कटिया, माँ के दाल के साथ खाते हैं चिलड़ू को, एंकलू एंकली भी कहते हैं इसे। तो इसे एक खा लेते। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है जी आज के हमारे नए ब्लॉग में। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। टाइम की बात करूं तो अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि ना आज चिलड़ू बना रहे थे तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया बनाने में। बाकी अभी तैयार होने वाले हैं तो फिर नीचे जाके खाएंगे। और रही बात मौसम की, तो धूप जो है मस्त करके लगी हुई है और सामने पहाड़ पे बर्फबारी भी सामने दिखाई दे रही है। तो आज बन रहा है दिवाली पे जी चिलड़ू। इसको इसको क्या कहते, कुज्जू। कुज्जू मैंने वो डाल दिया और एक ऊपर रखा हुआ है अभी। तो चिलड़ू बनाने के लिए पहले तवे पे तेल लगाएंगे। चिलड़ू को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बनाते हैं, कोई इडली भी कहता है, कोई कुछ। हमारे यहाँ पे इसे कहते हैं चिलड़ू। और ये पत्ता है खट्टे का। तो ये हो गया जी चिलड़ू तैयार। अब साथ में बनते भी जा रहे हैं, अंदर खाते भी जा रहे हैं, हम तो बाद में खाएंगे अभी। तो ये चावल के आटे के बनते हैं, चने और माँ के दाल के साथ खाते हैं चिलड़ू को, एंकलू एंकली भी कहते हैं इसे। गर्मा गर्म दाल है ये, होगी हमारी दाल। इसमें अब हम डाल देंगे एंकली। तो इधर घी भी डाल दिया है और हमारी एक हरी मिर्च ये भी तैयार है। तो इसे खा लेते।